इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टाइप ऑफ यू टू द पावर वी एंड यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब कि कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, दिस टाइप ऑफ फंक्शन यू हैव टू डिफरेंशिएट. फॉर एग्जाम्पल ये तुमको दिखाई दे रहा है कि ये एक क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है. अगर हम सिंपल वे से डिफरेंशिएट करें तो सबसे पहले इसमें डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, और डिवीजन रूल लगाने के बाद हमें दो बार प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये टू फंक्शंस हैं न्यूमरेटर में, ये टू फंक्शंस हैं. तुम इसको ओपन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये पावर फाइव है, बहुत लंबा पावर है, पावर फोर है, थ्री है, तो इट विल टेक द टाइम टू डिफरेंशिएट बाई दिस वे, ऑर्डिनरी वे. सो यू हैव टू फर्स्ट यू लेट दिस इज इक्वल टू वाई. अगर इक्वेशन नहीं दी गई है तो सबसे पहले तुम्हें एक्सप्रेशन को वाई के बराबर लेट करना पड़ेगा सबसे पहले. अब जब लेट कर लिया तो अब इसमें दोनों तरफ इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सबसे पहले लॉग ले लो दोनों तरफ, बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ, हमेशा लॉग या कोई भी चीज दोनों तरफ ली जाती है, बोथ द साइड्स. तो तुमको मिलेगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग. अब हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए लॉग का, क्योंकि अगर हम लॉग यहां लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस वन पावर फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर पावर फोर इंटू एक्स माइनस टू पावर थ्री. अब यहां पर हमें लॉग के फॉर्मूले यूज करने, तो लॉग एम अपॉन एन पहला फॉर्मूला होगा, तो लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, तो लॉग एक्स माइनस वन टू द पावर फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस माइनस लॉग. अब ये तुम्हारा, क्योंकि जरूरी है लॉग को फॉर्मूले अच्छे से याद होना, इतना फॉर्मूला आ गया. अब इसमें लॉग, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ लॉग के फॉर्मूले, क्योंकि लॉग के फॉर्मूले अभी और लगेंगे इसमें. अभी ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे तो काफी लंबा होगा, पहले रिड्यूस करना है. अब लॉग का यहां प्रोडक्ट रूल का, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला लगेगा, तो उसको अगर हम लगाते हैं तो ये आएगा लॉग एक्स माइनस वन टू द पावर फाइव प्लस लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस, अब यहां माइनस लगा है तो इस वजह से एक ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा, लॉग एक्स प्लस फोर की पावर फोर और प्लस लॉग एक्स माइनस टू की पावर थ्री. ये हमारा हुआ, लेकिन अभी भी ये रिड्यूस नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि अभी एक और फॉर्मूला लगेगा, लॉग एन टू द पावर एन, तो फाइव हम यहां पे ले आ सकते हैं, तो फाइव लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस थ्री, यहां पे माइनस अंदर ले जाओ, फोर इधर ले लेना, तो लॉग एक्स प्लस फोर एंड माइनस थ्री लॉग एक्स माइनस टू. ये सिंप्लीफाई हुआ. अब इसके बाद तुमको डिफरेंशिएट करना, देखो कितना इजी से डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि अब हमें लॉग का डिफरेंशिएशन पता है, लॉग एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. लेकिन जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत जरूरी है, थोड़ा सा चीज ध्यान रखी जाए, चेन रूल का. अब यहां पर डिफरेंशिएशन, सब पे डिफरेंशिएशन का साइन लगा दें, तो log x माइनस वन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस थ्री माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस फोर, फिर माइनस थ्री डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस टू, कॉन्स्टेंट को हम बाहर लेते हैं. अब जब डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमारा वन अपॉन वाई आएगा, फिर वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तब डी वाई बाई डी एक्स आएगा. तो इसको जरा ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत जरूरी है. अब ये फाइव हो गया, इसका डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली वन अपॉन एक्स माइनस वन आएगा, एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन एक्स का वन, इसका जीरो, तो लिखने की जरूरत नहीं है. इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स माइनस थ्री आएगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस फोर आएगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस थ्री बाई एक्स माइनस टू आएगा. अब तुम देख सकते हो कितना इजी डिफरेंशिएशन हो गया है, सिर्फ अब वाई को उधर ले जाना है, तो वाई को हम आराम से उधर ले जा सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, एंड देन राइट ऑल द टर्म्स, दैट इज फाइव बाई एक्स माइनस वन
प्लस वन बाई एक्स माइनस थ्री, माइनस फोर बाई एक्स प्लस फोर, एंड माइनस थ्री बाई एक्स माइनस टू. दिस इज द कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन. तो अगर हम डिवीजन रूल लगाते हैं और प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो वो काफ़ी लंबा होता, कॉम्प्लिकेटेड भी होता. ऐसा नहीं है कि इस तरह के ये छोटा था क्वेश्चन. अब और बड़े क्वेश्चन अगर इससे लेते हैं या और भी चीज़ लेते हैं तो हमें समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है. जैसे डिफरेंशिएशन अगर हम एक क्वेश्चन लें जिसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन है, यानी पावर में फंक्शन है, डिफरेंशिएट कॉस एक्स टू द पावर एक्स. मान लो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब यहां पे तुम देख सकते हो कॉस भी है इसका एंगल में, लेकिन एक्स टू द पावर एक्स है. तो एक्स टू द पावर एक्स को ऐसे डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है. हम पहले कॉस को करें फिर इसको करें, लेकिन यहां पे सबसे पहले तुमको इसको लेट करना पड़ेगा कि ये है क्या. इसको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बाद में कुछ और. तो लेट करेंगे y इज इक्वल टू, या u इज इक्वल टू ले ले, क्योंकि y इज इक्वल टू हम पूरा फंक्शन लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं. एक इक्वेशन ये होगी, या पहले y हम ले ले cos x टू द पावर x, और फिर नाउ u इज इक्वल टू x टू द पावर x. इसको इक्वेशन वन मान ले, इसको इक्वेशन टू मान ले. अब इसको पहले डिफ्रेंशिएट करें. अगर du अपॉन dx इज इक्वल टू x टू द पावर x माइनस, तो ये गलत हो जाएगा. क्यों? x की पावर n का डिफरेंशिएशन तभी यूज होगा जब n एक कांस्टेंट होता है. मतलब यहां पे कांस्टेंट, जबकि यहां तुम्हारी दिखाई दे रहा है कि ये x है, यानी एक वेरिएबल है. तो सबसे पहले तुम्हें लॉग लेना है. इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें पावर में फंक्शन हो तो हमेशा लॉग लेना है. तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स इन द इक्वेशन नंबर टू, तो लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स. अब इसमें तुम लॉग का फॉर्मूला लगा दो तो एक्स लॉग एक्स हो गया. अब इसे डिफरेंशिएट करना है क्योंकि इसके पहले नहीं कर सकते थे. अब डिफरेंशिएट करने में दो फंक्शन हो गए, एक लॉग हो गया, एक एल्जेब्रिक हो गया. तो डिफरेंशिएट करें जब हम, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो डी बाई डी एक्स लॉग यू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स x log x. यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना. तो प्रोडक्ट रूल जब लगेगा तो पहले log का डिफरेंशिएशन यहां पे होगा, तो 1 अपॉन u, फिर u का होगा तो du by dx इज इक्वल टू, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x d by dx ऑफ log x एंड प्लस log x d by dx ऑफ x. यूज द प्रोडक्ट रूल. अब ये 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे x log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है. ये चीज़ कैंसिल हो गई, ये आ गया तुम्हारा 1 प्लस log x 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स. लेकिन इस u को उधर भी लिखना है, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू 1 प्लस log x. अब u की जगह x की पावर x भी लिख सकते हैं, चलो हम वो बाद में लिखेंगे. अब सबसे पहली इक्वेशन, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएशन करना नहीं था हमको, तो y को डिफरेंशिएट करना था, तो अब y पे आते हैं. नाउ इसको इक्वेशन नंबर थ्री कर दें. नाउ वी डिफरेंशिएट इक्वेशन वन, तो वहां पे आ जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस u. क्योंकि u क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर हमने लेट किया है x की पावर x इज इक्वल टू यू, तो यू इसमें लिख दिया गया. तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएट, पहले cos का होगा तो माइनस साइन u, और फिर u का होगा तो du यू बाई डी एक्स. इसको करने का यही मतलब था कि हम यहां से du यू बाई डी एक्स की वैल्यू उठा के यहां रखेंगे, तो यहां पे रख दे तो हमारे पास में आ जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पहले, फिर du यू बाई u 1 प्लस log x और फिर साइन u. यहां पे u की जगह अब हम रख सकते हैं x टू द पावर x 1 प्लस log x साइन x टू द पावर x. दिस इज द कंप्लीट डिफरेंशिएशन. तो बाय दिस वे यू कैन डिफरेंशिएट दिस टाइप ऑफ फंक्शन जहां पर हमें
लंबे अगर लग रहे हैं कि कोई एक्सप्रेशन लंबा है उसको डिफरेंशिएट करना है, बड़ा डिवीजन में भी है, रूट में भी है, तो तब हम डिफरेंशिएट करेंगे और बड़े इजीली हमें मिलेगा कोई भी इस तरह के। कभी कभी ई की पावर में होता है, तो जो ई की पावर में होता हो तो और इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है वाई क्वेश्चन e टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एंड डिफरेंशिएट। तो एक बार इस तरह के क्वेश्चन बता भी चुके हैं, लेकिन अगर अब हम इसको डिफरेंशिएट करें, dy बाई dx निकालें, तो log ले करके करेंगे तो ज्यादा इजी होगा। तो टेक log बोथ द साइड्स, तो log अब हमें पता है कि log ये अगर हमने log लगाते हैं तो हमेशा ब्रैकेट यूज करें अगर टू टर्म्स हैं, अगर एक टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां log m टू दी पावर n का फॉर्मूला लगेगा, यानी ये चीज इधर आएगी फिर log और ब्रैकेट लगाएंगे, टू टर्म्स हैं चूंकि, और log e इज इक्वल टू यहां क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि दो फंक्शन है तो log का प्रोडक्ट रूल लगेगा, log का ना कि डिफ्रेंशिएशन का। ये log e की वैल्यू तुम लोगों को पता ही है, दिस इज इक्वल टू वन, log e ऑलवेज वन, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। अब तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इजिली, देखो कितना छोटा हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का पहले लिख लेते हैं x माइनस वाई और फिर यहां पे d बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ log y। अब यहां पर हमारे पास में इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, लेकिन इसका पहले log का होगा, अब x का 1 होता है तो नहीं लिखा, log में पहले 1 अपॉन y और फिर y का डिफरेंशिएशन, तो dy इसको चेन रूल तुम्हें यूज करना है। इसके बाद में जो dy बाई डी एक्स है वो एक तरफ ले लो, जैसे हमने ये dy बाई डी एक्स उधर ले लें, तो 1 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स। आप कॉमन लेकर के एलसीएम ले लें तो ये लिख सकते हैं इतना, और ये कॉमन ले लिया हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 1 प्लस यानी y प्लस 1 बाई 1 वाई। अब dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इजिली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y ऊपर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो y इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू वाई प्लस 1, दिस इज द डिफरेंशिएशन, जिसको कि बड़े इजिली कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान यही देना है कि हम जब log यूज करें तो log के फॉर्मूले प्रॉपरली बिल्कुल बहुत अच्छे से उसमें अप्लाई करना है, और याद रखना है कि कौन सा टर्म, कौन सा फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल है, पावर रूल है, एडिशन रूल है, सेपरेट डिवीजन रूल है, तो उन सब का यूज करना है तुम्हें, और इस तरह से हम क्वेश्चन को, किसी भी लंबे क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। थैंक यू।